सिंगर अलका याग्निक को हुई न्यूरो डिजीज, सुनाई देना हुआ बंद। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। वेटरन प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को रेयर न्यूरो डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रही हैं। सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी इस बीमारी का जिक्र किया। इसके साथ ही अलका ने यह भी बताया कि बीते वक्त से वो इनएक्टिव क्यों हैं। अलका ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी देते हुए फैंस और साथी कलाकारों को तेज म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी। हिम्मत जुटाकर अपने शुभ चिंतकों से शेयर कर रही हूं अलका। 17 जून को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अलका ने लिखा, मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभ चिंतकों के लिए, कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूं, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहां गायब हूं। अचानक हुई इस घटना से मैं शॉक्ड हूं। अलका ने आगे लिखा, मेरे डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोस किया है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया है। मैं खुद इसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूं और चाहती हूं कि इस बीच आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि जीवन फिर से पटरी पर आएगा। पोस्ट के अंत में अलका ने लोगों को लाउड म्यूजिक ना सुनने की और हेडफोन्स का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सिंगर ने लिखा, किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हेल्थ को होने वाले नुकसान पर जरूर बात करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूँ। जल्द ही फिर आपके सामने आने की कामना करती हूँ। इस नाजुक मौके पर आपका सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है।